वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आज अभी वक्त हो रहा है 3:30 बजे, तारीख है 4 जुलाई और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट रिसीव करने अपनी वर्ल्ड चैम्पियन टीम इंडिया को। वर्ल्ड कप जीतने के बाद बारबाडोस से फाइनली टीम इंडिया पहुंच रही है, तो 6 बजे फ़्लाइट लैंड करेगी। उसके बाद आपको कुछ विजुअल्स वगैरह जो भी बनते हैं, जो भी दिख पाता है वो दिखाते हैं। फिर टीम इंडिया का प्लान क्या कुछ है, आज 6 बजे वो लैंड करेंगे, फिर वहाँ से निकल कर होटल जाएंगे, वहाँ से चेंज वेंज करके प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात है 9:30 बजे के आसपास। तो कोशिश करेंगे जितना कुछ दिखा पाऊँ वो दिखाता हूँ आपको। फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ से मुंबई की फ़्लाइट, और मुंबई में तो भाई ओपन बस परेड, 2007 की यादें ताज़ा हो गई। आप बताइए 2007 की कुछ यादें हैं आपकी, और कंपेयर करके बताइएगा। अब तो आप देख ही लोगे 2024 में किस तरीके की रही ओपन बस परेड, ज़्यादा शानदार, ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा यादगार कौन सी रही। तो भी आप चलते हैं आगे दिखाते हैं। आ चुके लेकिन अभी बहुत लेट हो रहे हैं, तो बाकी का ब्लॉग आगे देखने को मिलता रहेगा। काफी एक्साइटिंग दिन होने वाला है। हमारे साथ इस ब्लॉग में कुछ इंडियन क्रिकेटर्स भी होंगे, वो आप भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, रास्ते में आपने पिछली क्लिप में देखा ही होगा एक्सीडेंट भी हो गया गाड़ी का, तो हम लेट हो रहे हैं, तो जल्दी से अगली क्लिप में मिलते हैं। तो ये है जी, अब जश्न के बाद का सन्नाटा देखो, यहीं पर सड़कें भरी हुई थी एकदम, अब खाली है। लेकिन अपनी किस्मत ही महान है भाई, जिस चीज़ के लिए सुबह 3:30 बजे उठकर आए यहाँ पर लाइव करने लगा। फ़ोन से कर रहा था तो लोगों की गालियाँ खाई थी कि भाई क्या नेटवर्क है, ये है वह, ट्राई कर रहा था फ़ोन से लगा नहीं। और उसके अलावा ये कि जो कैमरा यूनिट भी लाए थे उससे भी लाइव नहीं हो पाया क्योंकि फ्रिक्वेंसी नहीं थी। तो किस्मत किस्मत की बात है भाई, किस्मत अपनी अभी थोड़ा नाराज़ चल रही है अपने से, बट देखते हैं। बाकी टीम इंडिया के विजुअल बना के फिर ऑफिस भेज दिए थे, फिर अभी के लिए चलते हैं। बाकी अगर कुछ विजुअल्स हुए ऐड करेंगे उसे, जैसे कि जो मुलाकात है अभी प्रधानमंत्री साहब से मुलाकात है टीम की, फिर देन यहां से मुंबई निकलना, तो अगर कुछ वो विजुअल्स होंगे तो ऐड कर दूंगा। रोहित सर सिग्नेचर, रोहित भाई, रोहित भाई, रोहित भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोला उनको भाई भाई, रोहित भाई, रोहित भाई। तो भाई फाइनली इट्स अ रैप, 3:30 बजे सुबह शुरुआत हुई थी, और उसके बाद सुबह तो शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, डिसअपॉइंटेड ज़्यादा थे, बट जाते जाते जो है थोड़ा काम वाम हो गया बढ़िया, तो बढ़िया रहा। मनीष सर भी हैं साथ में। सर सुबह थोड़ा मूड मतलब ख़राब सा था ना, कि काम हो नहीं पा रहा था, बट जाते जाते थोड़ा एटलीस्ट लगा कि कुछ किया है। सुबह हमारा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, पर उसके बाद थोड़ा तभी लग रहा था कि हमने थोड़ा सा लगा, पहले लग रहा था कि कुछ किया नहीं है, बट देन जाते जाते कर दिया। अभी बताओ ये देखो कौन से लोग उधर देखो, आप उधर उधर लोग हैं, बड़े बड़े स्टार एंकर्स रिपोर्टर्स, वो एटलीस्ट वो क्रेडिट देते ना कि भाई ये जो कैमरा पर्सन होते हैं फील्ड पर, उनका ही काम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई वो पर्दे के पीछे ही रहते हैं, उसको तो सामने आते नहीं है। तो सर थे हमारे साथ, और वहाँ पर अभी आप देख रहे हैं राहुल भाई अभी भी लाइव कर रहे हैं टीवी के लिए, तो राहुल भाई के साथ दीपक सर हैं, और दीपक सर मनीष सर हमारे साथ थे। तो कवरेज के लिए थैंक यू सर, आई होप आप लोगों ने इंजॉय करी हो, तो इसी तरीके से ब्लॉग आता लगा भाई तुम्हारे साथ। सेम ईयर सर, थैंक यू सो मच, दोनों ही काफी लौंडे हो। सर थैंक यू सर, मिलते हैं। तो फाइनली भाई दिन भर की मेहनत कर लीजिए, उतने रंग तो नहीं लाए बट जितना हो पाया उतना किया, तो 4:30 बज गया है अब दिन का। 3:30 बजे सुबह निकले थे, 4:30 बजे दिन का, हालत भी आप देख रहे हैं क्या हो गई है, वैसे ही
बाल दाढ़ी वैसे बड़े हुए, ये भी कुछ करना है इसका भी आगे, अब जल्दी कुछ करेंगे। बाकी मन था यार, मतलब बचपन में भी मन था कि मैं 2007 में मुंबई में रहूं, आज भी मन था, बट कभी होगी मन की भी पूरी। तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा, और बाकी ऐसे सपोर्ट करते रहिए, कोशिश करेंगे कि आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लाएँ। अभी के लिए इजाज़त आपसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब थोड़ा सा अभी भी लाइव ही करने हैं हमें, क्योंकि 4:30 हो रहा है, वो जब विक्ट्री परेड होगी उस टाइम भी लाइव होगा, फिर रात का लाइव, तो ये सब करके आप रात में देखोगे। तो लास्ट में सोया कब था मुझे याद नहीं अभी फ़िलहाल, तो मैं रेस्ट करके फिर तगड़े होके आता हूँ वापस।